This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजतक। शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार को आज अच्छा सपोर्ट मिला है। बैंकिंग, ऑटो, मेटल और रियलिटी शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिली है। इसी से जुड़ी आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक जरूरी बात बता देते हैं। अब IPO के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप को आप डाउनलोड करें, कूपन कोड INVEST200 डालें और नए डीमैट खाते में 200 रुपए का क्रेडिट तुरंत पाएं और सीधा अपने IPO को अप्लाई करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग हुई है आज। सेंसेक्स 765 अंक बढ़कर 56,890 पर बंद हुआ है, वहीं निफ्टी 226 अंक चढ़कर 16,931 पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में आज तेजी रही है, वहीं निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में मजबूती देखी गई है। बाजार में निवेशकों को आज 3,58,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। भारती एयरटेल के शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, ये निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा है। भारती एयरटेल 21,000 करोड़ का राइट इशू लेकर आ रही है, साथ ही कंपनी की ओर से टैरिफ बढ़ाने के भी संकेत दिए गए हैं। इसी वजह से भारतीय एयरटेल के शेयरों में निवेशक पैसा लगा रहे हैं। आज IT को छोड़कर बाकी सभी काउंटर्स पर अच्छी खरीदारी रही है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, डिवाइस लैब और कोल इंडिया इसमें शामिल रहे हैं। वहीं अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टेक महिंद्रा, नेस्ले, इचर मोटर्स, इंफोसिस और TCS इसमें शामिल रहे। बाजार के जानकार इसे नई तेजी की शुरुआत मान रहे हैं। मेटल, IT और फार्मा शेयर्स में निवेशकों का पैसा बन सकता है। इस वक्त निवेशकों को लार्ज कैप कंपनियों पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ भले ही रिटर्न थोड़ा मीडियम लगेगा, लेकिन पैसा डूबने का खतरा भी कम ही रहेगा। आज बाजार की तेजी के पीछे 5 बड़े कारण रहे हैं, जिनमें पहला कारण है विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत आना। वहीं दूसरा कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आना। तीसरा संकेत है वैक्सीनेशन बढ़ने से कोरोना का डर थोड़ा कम हुआ है। और चौथा कारण है GDP और ऑटो सेल्स के अच्छे संकेत की उम्मीद होना। वहीं पांचवा कारण है विदेशी निवेश बढ़कर 1.28 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने से घरेलू निवेशक उत्साहित है। बाजार के जानकार मानते हैं कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 17,000 के आंकड़े को पार कर सकता है। IT शेयरों में आई आज मुनाफा वसूली नए निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका माना जा रही है। दूसरे रुपए में मजबूती का फायदा IT कंपनियों को भी मिलेगा, इसलिए IT कंपनियों के शेयरों में मार्केट एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती की वजह से आज IT कंपनियों पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन लंबी अवधि में इस सेक्टर में निवेश काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस, शेयर बाजार और IPO से जुड़ी जानकारियां हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए, नमस्कार।